नमस्कार, मैं रुपिंदर कौर आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भगत सिंह। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, पर उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाम की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने जलियांवाला कांड हुआ, जनरल डायर के आदेशों से ये कैसा निस्संहार हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर दिया जन्म एक ज्वालामुख को, क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सौंदर्य को मारा बलिदानों की कसम भगत सिंह ने खाई थी, किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई, और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाम के देखे थे, उस मूंछ की ताऊ के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेकी थी। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था, और जज को देखकर भगत सिंह दीवानों की जैसे हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने, आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी की अर्जी आई, फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला, मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं माँ आऊंगा। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की हमें शहादत नीति बाप गई होगी, जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी भी कांप गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे, और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। तय छोड़ दी होगी भगत सिंह ने, बनके शहादत गूंज उठा। इन कलाम के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। आजादी के अफसाने को जब भी कोई सुनाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। जय हिंद, जय भारत।